दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों से लगातार 15 अगस्त को कुछ बड़ा वादा करते हैं और यकीन मानिए इन्होंने अब तक जितने भी 15 अगस्त के वादे किए हैं उन सभी को पूरा भी किया है और इस बार प्रधानमंत्री 15 अगस्त को एक और ऐलान जनता के सामने करने जा रहे हैं। हमें पता है आप सभी को ये जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही होगी कि वो ऐलान क्या है। तो दोस्तों आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपने चैनल के माध्यम से आपको वो बड़ी खबर सुनाने जा रहा हूँ जिसका ऐलान बस कुछ ही दिनों में हो जाएगा। तो क्या है वो खबर और पिछली ऐसी कौन सी चीजें थी जो 15 अगस्त को बोली गई और पूरी हुई, चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे बोलना चाहते हैं कि ना ही हमारे चैनल का स्पॉन्सरशिप भारतीय जनता पार्टी के किसी मेंबर द्वारा किया गया है, ना ही हम मोदी सरकार के भक्त हैं। हम आज आपको वही चीजें बताने जा रहे हैं जो वाकई में हुई है और इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो तो हम सभी के आगे है कि किस तरह मोदी सरकार ने सैन्य सुरक्षा के मामले में कई बड़े फैसले किए। क्योंकि जहां हर बार सैन्य सुरक्षा के मामले में हमारा देश पीछे हट जाता था और इसी वजह से पड़ोसी देश हमें दबाने की कोशिश करते थे, लेकिन इस बार जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से अब हम पीछे कदम नहीं बढ़ाते, बल्कि दुश्मन सेना ने अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो हम चार कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं फिर चाहे कुछ भी हो जाए। यही चीज हमने पिछले कई सालों से देखी है। अब आप चाहे हाल ही में चीन का एक केस ले लीजिए, जहां चीन ने सेना विवाद करा वहीं हमारी भारत सरकार द्वारा चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया गया जिससे चीन की पूरी हालत ही खस्ता हो गई और न सिर्फ डिजिटल तरीके से हमने जवाब दिया बल्कि गोली और बारूदों से भी हमने बढ़ चढ़कर जवाब दिया और तब तक पीछे नहीं हटे जब तक चीन ने वापस लौटने का फैसला नहीं किया। वरना हम सभी जानते हैं कि अगर भारत और चीन की लड़ाई होती है तो चीन के पास हथियार और मिसाइल वगैरह हमसे ज्यादा है, लेकिन भारत के पास जो है वो है हौसला और उसी के बल पर हम जीतना भी जानते हैं और ये बात चीन अच्छे से समझ चुका है। ऐसे में दोस्तों मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं जहां आज हम सबसे पहले ऐलानों की बात कहते हैं जो स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किए थे। सबसे पहले अगर हम 15 अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण की बात करें तो उसमें मोदी जी ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र किया था और ये बताया था कि तीन तलाक जैसे मामले किस तरह केवल तीन बार तलाक बोल देने से रिश्तों को ही नहीं बल्कि जिंदगियों को भी खत्म कर देते हैं और इस चीज पर आगे चलकर काम होगा और नतीजा हम सभी जानते हैं कि तीन तलाक का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, जहां अब हमारे देश में तीन तलाक जैसी कोई चीज नहीं है। अगर किसी को तलाक लेना है तो फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान उसे कोर्ट में जाकर बाकायदा सभी कायदे कानूनों से तलाक लेना होगा, जिस वजह से महिलाओं को काफी राहत मिली थी। और इससे पहले अगर हम बात करें 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान और जनधन की बात कही थी जिस पर भी आगे चलकर काम हुआ और लाखों करोड़ों लोगों के खाते फ्री में खोले गए ताकि सभी के बैंक अकाउंट खुल सके और वो उन्नति की ओर बढ़ सके। जिसके बाद 15 अगस्त 2015 जहां पर उन्होंने स्टार्टअप इंडिया की बात की और उसी स्टार्टअप इंडिया के बाद से ही प्रधानमंत्री ने ऐसी कई सारी योजनाएं चलाई जिसकी वजह से छोटे व्यापारी भी अपने व्यापार को बढ़ा सकें, जिसके लिए उन्होंने कम दरों पर लोन प्रोवाइड किया ताकि देश में व्यापारियों की संख्या बढ़ती जाए। और उसके बाद 15 अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री ने पीओके बलूचिस्तान का जिक्र किया जिसके बाद की रणनीति हम सभी ने देखी कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और दोस्तों अगर हम 15 अगस्त 2017 की बात करें तो उसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्योंकि ये मामला वाकई में बहुत बड़ा था, क्योंकि तीन तलाक जैसी चीज वो भी दूसरे धर्म के लोग जो मोदी सरकार के हमेशा खिलाफ रहते थे उनके फायदे के लिए इतना बड़ा कदम उठाना अपने आप में काबिले तारीफ है। अब अगर हम 15 अगस्त 2018 की बात करें तो दोस्तों उस समय गगनयान अंतरिक्ष मिशन का जिक्र हुआ और उसे लेकर किस तरह से काम किया गया और प्रधानमंत्री किस तरह से डट कर खड़े रहे वो हम सभी ने देखा। अब अगर हम पिछले साल यानी 15 अगस्त 2019 की बात करें तो दोस्तों पिछले साल प्रधानमंत्री ने सर्वशक्तिमान भारत का जिक्र किया, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात कही और सेना के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया, साथ ही साथ पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करने पर भी सख्त नियम बनाए जाने की बात कही और इन सभी चीजों पर न सिर्फ बात कही गई बल्कि काम भी किया गया। क्योंकि अगर आज पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम किया जा रहा है और उसके साथ ही किस तरह से देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल रहा है ये हम बखूबी देख रहे हैं।
हमें पता है आपको इंतजार होगा कि इस साल नरेंद्र मोदी क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तो दोस्तों, खबर सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी इस बार 15 अगस्त के मौके पर वन नेशन वन हेल्थ कार्ड का जिक्र करेंगे। दोस्तों, वन नेशन और वन हेल्थ कार्ड में हर नागरिक की स्वास्थ्य जानकारी डिजिटल होगी। जी हाँ, स्वास्थ्य जानकारी का बाकायदा रिकॉर्ड होगा और इस रिकॉर्ड में आपको क्या क्या बीमारियां थी, आपके क्या क्या टेस्ट हुए, उन टेस्ट की रिपोर्ट क्या थी, टेस्ट कब हुए, बीमारी कब हुई, कब ठीक हुई और क्या क्या दवाइयां आप खाते थे और क्या क्या दवाइयां आप खा रहे हैं, ये सभी चीजें रिकॉर्ड होगी ताकि हेल्थ को लेकर स्पष्टीकरण और किसी को भी गलत हेल्थ इन्फॉर्मेशन दूसरे तक ना जाए, ताकि लोग अपनी हेल्थ को लेकर और ज्यादा ध्यान देने लगे। और शुरुआती यानी कि पहले चरण में इस योजना में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो दोस्तों, ये थी 15 अगस्त से जुड़ी इस साल की जानकारी। बाकी का जो कुछ भी है वो नरेंद्र मोदी अपने भाषण में आपको बता ही देंगे। हालांकि हम तक जो खबर आई है वो हमने आप तक पहुंचा दी। अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।